So we had 3 bees. Good morning. And after a long time, I'm rolling out in this hour. Jai Mata Di. अब इस बाइक पे जैसे मैंने सेटअप किया है, होपफुली दैट वुड वर्क. इसमें एक टेंशन मेरे को ये रहेगा हमेशा, क्योंकि इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, और ये जो मेरा हाइड्रेशन पैक है ना, दिस इज़ एक्चुअली हिटिंग द टेल बैग. आई जस्ट होप इट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम. मैंने बांध तो दिया सही तरीके से. बाइक में ऑलमोस्ट नियर एम्प्टी सिचुएशन है. 55 किलोमीटर और जा सकती है ये. घूम आता है थोड़ा. एम्प्टी वाला जो है ये ब्लिंक कर रही है अभी, तो होपफुली पेट्रोल पंप तक तो आराम से पहुंच जाएंगे. अभी लगेज के साथ फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा आराम से मैं यू टर्न ले रहा हूँ एंड ऑल दैट. बाय द वे, ये है इसका स्टॉक हेडलाइट का थ्रो. अभी मैंने पर्पसली हाई बीम कर रखी है, ये कर दिया लो बीम. इसका जो हाई बीम है ना, इतना अभी पनिशिंग नहीं है, मैंने नोट किया है. इतना अभी ऊपर तक लोगों के फेस तक नहीं जा रही है, सो इट्स काइंड ऑफ ईजी. गुड बाई ऑक्सी होम्स, सी यू आफ्टर 2 डेज. फ्रॉम एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स टू अ क्रूजर मोटरसाइकिल, एंड दिस इज़ द मेडन ट्रिप ऑन बोर्ड सनशाइन. होपफुली सब सही हो. मैंने जो थर्मल लाइनर है वो फाइनली नहीं लिया, बिकॉज थर्मल लाइनर में हो ना बैग को बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, फुला देती है, आई गेस दैट इज़ द वर्ड. और वहाँ पे नाइट टाइम टेम्परेचर दिख रहा था 12 डिग्री टेम्परेचर. अब दिल्ली का ठंड झेलते झेलते 12 डिग्री सीम्स टू बी लाइक ऑल ओके फॉर मी. भाई लोग ये देखो, ये है स्टॉक हेडलाइट का थ्रो हाई बीम पे. अभी हाई बीम जल रही है, हाई बीम पे तो ठीक ठाक है. इट्स नॉट गोइंग वेरी अप हाई के आने वाले ट्रैफिक को चुभे. तो आफ्टर एजेस आई एम रोलिंग आउट ऑन दिस पर्टिकुलर, एट दिस पर्टिकुलर टाइम. होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आएगा. मैंने बस एक ग्लास दूध पी के निकला हूँ घर से. और ये है तो वैसे वही सेम नैनीताल वाला रूट जो मैं नौकुचिया ताल वाला व्लॉग में आपको दिखाया था ना, इट्स द सेम रूट. पेट्रोल मैं यहाँ से भी डलवा सकता हूँ, बट अभी नहीं. और इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और भी बंदा ज्वाइन कर रहा है. ये स्टार्टेड फ्रॉम द होम एंड वी हैव अ कॉमन मीटिंग पॉइंट. सोचता हूँ यहीं से भरवा लूँ. ये मेरा जाना पहचाना सा पंप है, इन द सेंस यहाँ से मैं गाड़ी और बाइक दोनों में ही तेल डलवाता हूँ, प्रोवाइडेड इनके खुद के पास तेल है. हाँ, बहुत बार आया हूँ मैं, गाड़ी और बाइक दोनों यहीं से भरवाता हूँ. देखो कहाँ तक इसका पेट भरता है. एकदम फुल मत कर देना, मतलब बाहर ना उछले, बाकी आप भरते रहो. मैं इसको सीधा करता हूँ जी. हाँ बस बस बस, थोड़ा सा ऊपर का छोड़ देना, थोड़ा सा 1400 में रोक देना. बस हो गया, बस छोड़ दो, थोड़ा सा प्रेस कर दो, हो जाएगा. पेटीएम करो. 1410.16, मामला सेट हो गया मोर ऑर लेस. अभी सोनू भी आ गया है. सोनू इन द सेंस द पर्सन विथ हुम आई एम गोइंग, मिलवाऊंगा थोड़ी देर में. बाइक में डल गई है 14.10 लीटर का पेट्रोल. यहीं से मैं नाइट्रोजन डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में. Insta360 को यहाँ पे, और ये मोबाइल का होल्डर. थोड़ी देर क्या रुका पेट्रोल भरवाने के लिए, साला पसीना पसीना हो गया. अभी रेंज दिखा रहा है 583 किलोमीटर. एंड मेरे लिए देजा वो हो रहा है, कभी इस टाइम पे कुछ और लोगों के साथ मैं राइड पे निकलता था. लोकेशन और ये सब तो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा शायद से. फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट, इस टाइम पे अगर आप शूट कर रहे हो तो हमेशा अपना FPS जो फ्रेम्स पर सेकेंड उसको लो रखो. ओ भाई पार्टी चल रही है. वेलकम एंड वेलकम टू माई व्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम. यू आर ऑन द व्लॉग नाउ. हाँ अभी रिकॉर्डिंग चल रही है.
हाँ यही बेटर है, ड्रॉप्स के साथ जाके खरीदा। तो ही इज सोनू, ही इज विद माई राइडिंग पार्टनर एंड दिस इज हिज राइड, यामा एरोक्स हेवीली मॉडिफाइड। सही है, मैंने तो धुलवाया भी नहीं, ऑफिस से आया रखा वही। हाँ चले, अभी लोकेशन डाल ही देता हूँ मैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड। शुरू में एक कांड होगा, इंटर 360 का जो मैंने माउंट लगाया था यहाँ पे, वो मैंने देखा कैमरा टेढ़ा है, तो मैंने हाथ जैसे ही लगाया एकदम से माउंट टूट के हाथ में आ गया। तो थैंकफुली आई हैड दिस बैकअप स्मॉल रिग कैमरा माउंट। अभी मैंने होटल का लगा दिया है लोकेशन, तो अभी अराउंड 5 घंटा 33 मिनट दिखा रहा है, तो जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा हमारे लिए, बीच में हम रुकते रुकाते हुए जाएंगे। अभी तो जितनी देर तक अंधेरा है ठीक है, जैसे ही धूप निकलेगी ना नींद आने लगती है। Feels nice to be back on the highway. Thank you.
अंडों का ऑमलेट बनाना टाइम आ गया। अरे बाप रे, मजा सजा है ये, बट फिर भी ठीक है, इतना भी नहीं है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। हाफ फ्राई हुआ है, पूरा ऑमलेट नहीं बना है। होटल अभी 3 मिनट की दूरी में है, तो पहले चेक इन वेकिन कर लेते हैं। टाइम क्या है अभी, 12। एंड पॉइंट आ गया ऑलमोस्ट। पैदल दिखा रहा है क्यों भाई? इन द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट कप्पू कॉटेज। भैया ये कहाँ पे है ये कप्पू कॉटेज एंड रेस्टोरेंट? मंदिर है ना उसके ऊपर। अच्छा, ये गली से जाओ। ये गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है। गोरू में पता नहीं चलेगा, बट ये काफी स्टीप है। ढलान इतनी है ना कि फर्स्ट गियर पे बाइक 20 के स्पीड पकड़ रही है। यहाँ से एक इधर से इधर हुआ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हम ऑफ रोडिंग करके आए ना अभी नीचे, इधर पे होटल है ही नहीं। हम मैं बता रहा था ना शुरू में, इधर नहीं है, इधर नहीं है, गलत जा रहा है। सच में हम गलत जा रहे थे, और होटल वाला फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। अब मतलब मानो के वापस हमें इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, और ये पूरा ऊबर खबर फिर से झेलना पड़ेगा। फर्स्ट गियर में ही जाना पड़ेगा हमें, सेकेंड गियर में इसका इतना पावर नहीं मिल पा रहा है। इसका बाइक जो फिर स्टेयरिंग हो रही है ना, मेरे को ही पता है कैसे। यहाँ के लिए तो बेस्ट बाइक होगा एक्सपल्स। देखो ये पूरी फर्स्ट गियर पे चल रही है। ओ भाई साहब, फिर स्टेयरिंग हो रही है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन कर रहा है। मैं ऑफ कर सकता था ट्रैक्शन कंट्रोल को, बट लेट्स सी कैसे क्या होता है। आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी बाइक की? अशोकाज नैनी कहाँ पे, इसके अंदर? ओ भाई साहब, तो हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच गए, और होटल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आई। धूप भी है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, फिर से सूरज देवता की प्रकट हो रही है। हमारा रूम है ये जो पीछे दिख रहा है, रूम वाइज तो ठीक है, ओके, बट द मेन पंगा इज द अप्रोच। जो मंदिर से हम चढ़े ऊपर, वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ 45-ish डिग्री स्टीप चढ़ाई है। इतनी चढ़ाई है कि लगेज के साथ बाइक को फर्स्ट गियर पे भी लेके आना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो फाइनली धूप निकल आई फिर से, बादल अभी भी है, और कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो ये है, मैं सोनू नाम से ही बोलू? हाँ, ये है सोनू, यही आए हैं मेरे साथ, इंट्रोड्यूस करो। हाय, मैं सर सुनील चौहान। हाँ, मैं भी इनके साथ आऊँ यहाँ पे, दोनों गाजियाबाद से हम। हाँ, बट यहाँ के हमारे साथ एक इशू हो गया। बोलू? हाँ बोल दे, भड़ास निकाल दे। वो इशू ये था कि जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था, तो इनको भी और मुझे भी, दोनों को ऊपर आने में इशू हो गया काफी। सो उसमें ये इशू था कि मतलब जहाँ हमने रिजॉर्ट बुक करा, वहाँ से रिजॉर्ट तक आने का कोई व्हीकल का मतलब रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है।
हमें पैदल ही आना पड़ेगा। पैदल का भी ये भी नहीं कि कोई लाइक स्टेयर्स हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, पत्थर हैं। और ये रास्ता, ये भी हम आपको दिखाएंगे, ये नीचे वो सारा जो पत्थर घास का या तो ऊपर चढ़ाई का रास्ता है सारा। लाइक जैसे मैं हूँ, मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, मेरे दोनों लेग्स आर्टिफिशियल हैं, आई एम यूजिंग प्रोस्थेटिक लेग्स। तो सपोज़ चलो मैं तो भाई मेरे अंदर है हिम्मत, इसलिए मैं आ भी गया। इन केस अगर कोई और पर्सन हो, कोई एजड हो या कोई 60 ईयर्स लाइक हो, तो उसको कितना इश्यू हो सकता है। और ये रिफंड भी नहीं होती मनी, तो आपकी मजबूरी बन जाती है रुकना। तो आप जब भी, मेरा कहना ये, आप जब भी कल को कोई भी कॉटेज बुक करो, ये हो या कोई और भी हो, आप एटलीस्ट उनसे पूरी उनकी स्पेसिफिकेशन ले, क्या है वहाँ पे एक्सेसिबल हैं वो चीज़ें, स्टेयर्स हैं, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के साथ एक एजड पर्सन के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए हर चीज़। और यही कहना चाहूँगा, यामाहा एरोक्स लेके आए हैं, बताए।